बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। इसमें गोरखपुर बस्ती समेत कुल 9 सीटों पर नाम है। ये बसपा की चौथी लिस्ट है। इस लिस्ट में मायावती ने आजमगढ़ से भीम राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा है। बसपा ने एटा लोकसभा सीट से मोहम्मद इरफान, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्टगंज से धनेश्वर गौतम को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक 45 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। वो ना तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है और न ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नीत भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस में शामिल है। बसपा ने इस चुनाव में शुरू से ही एकला चलो का सुर साधे रखा। बीच में कई मौकों पर यह दावा किया जाता रहा कि बसपा किसी गठबंधन के साथ जा सकती है, लेकिन मायावती ने हमेशा इससे इनकार किया। बसपा के चुनाव में अकेले उतरने से यूपी में अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है।